नए लोकसभा भवन का उद्घाटन भूमि पूजन से हमारी कोई मांग नहीं है। अध्यक्ष लोकसभा का संरक्षण होता है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का अंग है। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष बड़ा होता है, उद्घाटन वो करेंगे तो ही हम जाएंगे। ओम बिरला लोकार्पण करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसमान नहीं गिरेगा, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी द्वारा नागपुर में पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा। हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हम शुरू से कह रहे थे जब फाउंडेशन स्टोन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का प्रधानमंत्री ने डाला, फिर उसके बाद वो नेशनल एम्बलम का प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। अब ये तीसरा मौका है कि वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारा शुरू से बोलना ये है कि स्पीकर कस्टोडियन होता है लोकसभा का और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, स्पीकर लेजिस्लेचर का हिस्सा है, जुडिशरी CGI है। तो प्रधानमंत्री बहसियत एग्जीक्यूटिव गैर ज़रूरी के लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफियर कर रहे हैं और हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो हमारा बोलना ये है कि प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन स्पीकर साहब ओम बिरला के ज़रिए कराए और उनको करने दें, और ऐसा करते हैं तो मैम पार्टी से शिरकत करेगी। जहाँ तक नई लोकसभा का सवाल है, यस, जब 2019 में चुनाव के बाद जब पहली ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में हुई थी, उस वक्त मैं एक वाहिद MP था जिसने इस बात को उठाया था कि हमको नई लोकसभा की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुरानी लोकसभा में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या कोई बिल को पास किया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसमें, और उसका जो पुरानी बिल्डिंग है बड़ी खूबसूरत ज़रूर है, उसका फायर क्लियरेंस भी नहीं है, मगर ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है तो स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वो कस्टोडियन है हाउस के। ये पार्टी के प्रोग्राम है, पार्टी के प्रोग्राम को आए हैं पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, हम आए हैं। हमने कहा है ना, अगर प्रधानमंत्री स्पीकर से कराते हैं तो हम बराबर जाएंगे, क्योंकि लोकसभा का कस्टोडियन जो है वो स्पीकर है, स्पीकर है। प्रधानमंत्री बड़े नहीं है लोकसभा में, स्पीकर बड़ा है, लीडर ऑपोजिशन बड़ा नहीं होता है, इसीलिए तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा अलग ही है, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव अलग है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है। ये प्रधानमंत्री सब में चले आ रहे हैं, तो वो जाएँ, उनका नाम तो आ गया ना फाउंडेशन फ्लैग पे, स्पीकर कराए, ओम बिरला से कराए, क्या होगा, आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, आसमान तो नहीं गिरेगा। दिल बड़ा करें प्रधानमंत्री थोड़ा, उन्होंने तो सजदा किया था पार्लियामेंट को जब पहली मर्तबा गए थे, संविधान किताब उठाकर चूमा था उसको, तो सजदा और अब चूम लिए तो ओम बिरला से कहिए कि करो इनॉग्रेशन। शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बैठते हैं TV के ऊपर, ये 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ।